नमस्कार, मैं श्रेयोशी, स्वागत करती हूँ आपका स्वदेशवाणी में। बेरवा जंगल से सटे गांव में हाथियों के झुंड का उत्पात लगातार जारी है। ऐसे में शनिवार की रात को भी हाथियों का झुंड जामू पंचायत के डुमरडीहा व हरलाडी गांव पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें कि हाथियों का झुंड डुमरडीहा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहुंचा, जहाँ हाथियों का झुंड ने विद्यालयों के 3 दरवाजे व पाकशाला के 2 दरवाजे तोड़कर उसमें रखे 2 क्विंटल चावल में 1.5 क्विंटल चावल चट कर गए और बर्बाद भी किया। वही हाथियों का झुंड ग्राम हरलाडी पहुंचकर वहां के निवासी अर्जुन यादव के द्वारा 1 एकड़ में लगाए गए आम बागवानी के लगभग 2 दर्जन पेड़ तोड़कर नष्ट कर दिए। वही आम बागवानी से सटे जितेंद्र यादव के खेत में लगे गेहूं को भी खाया और पैर तले रौंद कर बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों ने लू व फटाके जलाकर हाथियों के झुंड को जंगल की ओर भगाया, पर ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 2 दर्जन की संख्या में हाथियों का झुंड था, जिसमें 3 हाथी और उसके 3 बच्चे भी शामिल थे। पाकशाला में हाथी का बच्चा घुस कर अनाज को बाहर निकाला। इन गांव के कृषकों ने बताया कि वे लोग काफी पूंजी लगाकर तथा कड़ी मेहनत कर खेती करते हैं, लेकिन हर साल हाथियों का झुंड आकर उसके फसलों को नष्ट कर देता है, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसानों ने प्रशासन से मुआवजा की मांग की है। वहीं हाथियों का झुंड अभी गांव से सटे बेरवा जंगल में अपना बसेरा बनाए हुए है। आज आपका आम बागवानी में बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो कितना बजे हाथी आया था और कैसे कैसे क्या किया, कितना देर में फिर आप लोग भगाए हाथी को? यहाँ लगभग 9 बजे रात में हाथी आया, इससे हम लोग को पता चला तो आम का बागवानी में घुस गया था। हम लोग निकाले, लगभग गांव वाला सब लोग जला उला के, तो एक बार तो निकाले, उसके बाद घर पर हम लोग चल के फिर लौट के जाने के बाद फिर आधा घंटा एक घंटा के बाद फिर लगभग 15-20-25 के झुंड में फिर हाथी आया, फिर घुस गया। फिर पूरे ग्रामीणों ने मिल के निकाला, तो बहुत तरह के निकाल, बहुत देर के बाद निकला, लोगों जला कर निकाले। उसमें से है लगभग कि 40-45 के पौधा और सोलर मशीन जो दिया था सरकार के द्वारा और पानी वाला मशीन से था, वो सबको सब बर्बाद कर दिया, क्षति कर दिया। और कौन सा पेड़ लगा हुआ था? पूरे आम, कलमी आम का पेड़ लगा था, अमरूद का पेड़ लगा था, कलमी वाला। कितना का झुंड में था हाथी? 17-18 के झुंड में था।